जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोच कर मार डालता और छककर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी फॉक्स उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। इस तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।